नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। कोटा के इलेक्ट्रिक कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन 3 अप्रैल से जारी है, जो अपनी 5 मांगों के चलते बैठे धरने पर प्रशासन नहीं ले रहा है खबर। आइए देखिए। इस गोरे कोटा संभाग का समूचा उपज गेहूँ, सरसों, चना और लहसुन को बिक्री होना चाहिए सरकारी दाम। अभी इस समय पर इन्होंने मात्र 15% का लक्ष्य गेहूँ में रखा है। भाव का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश की सरकार 2000 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है और हमारे यहाँ पर 1735 रुपये में भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी जो है पूरी धान नहीं है। लहसुन अभी इस समय पर मंडी में 500 से लेकर 1500 बिक रहा है, जबकि इसका लागत खर्च ही कम से कम 3000 रुपये प्रति क्विंटल आता है। चना जो है इस समय पर रुल रहा है, पूरी तरह से घाटा है किसान का, कोड़ियों के दाम पर मंडी में देखना पड़ रहा है। सरकार के सारे कांटे आज की तारीख में बंद है, इसलिए हमारी मांग ये है कि सरकार किसानों को यदि जो बचाना है, आज किसान सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसको बचाना है तो बाजार में आना पड़ेगा, उसके सारी उपज को खरीदना पड़ेगा। जैसे पंजाब हरियाणा में दाना दाना बिकता है, उसी तरह से आपको राजस्थान और कोटा के अंदर खरीदना पड़ेगा, तब जाके किसान बचेगा। नहीं तो जो बात करते हैं किसान ही देसी होने की बात करते हैं, किसान के नाम पर जो तमाम सहानुभूति बटोरने की बात करते हैं, वो कोरी लफाजी है। हम समझते हैं किसान इस तरह से नहीं बचने वाला है और ये किसान विरोधी सरकार, अभी 7 दिन से हम यहाँ अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से अभी वार्ता का प्रस्ताव भी नहीं आया। ये ऐसी संवेदनहीन सरकार, अंधी भरी गूंगी सरकार है, उसको सुनाने के लिए निश्चित तौर पर फिर हमें धमाका करना पड़ेगा और उसके लिए व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, अनेकों पार्टी संगठनों से समर्थन मिला है और आने वाले समय का मानदंड